आज का एडवेंचर इज अबाउट आवर ड्राइव टू द पिक्चरेस्क नंदी हिल्स, बट दैट्स नॉट ऑल. स्टे विथ अस एज वी एक्सप्लोर द मैजेस्टिक आदि योगी सेट अगेंस्ट अ स्टनिंग बैकड्रॉप ऑफ हिली लैंडस्केप्स. गेट रेडी फॉर मेस्पनाइजिंग व्यूज एंड अ डीप डाइव इनटू द हार्ट ऑफ साउथ इंडिया स्पिरिचुअल एंड नेचुरल ब्यूटी. जा रहा है उसे हिल के तरफ. लैंग्वेज ट्रांजिशन से वेलकम टू नम्मा बेंगलुरु. हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिपल कैरी टू अ न्यू व्लॉग. तो आज हम लोग है बैंगलोर में. हम लोग आए हैं कोलकाता से बैंगलोर ड्राइव करके, और वो जो व्लॉग है क्योंकि हम लोग कोलकाता से आ रहे हैं तो दैट इज इन बंगाली. और अभी साउथ इंडिया और बैंगलोर के व्लॉग्स हिंदी में होने वाले हैं. तो आज हम लोग सुबह दीदी के घर से निकले थे विद द इंटेंशन टू कवर टू प्लेसेस. तो एक पे तो हम लोग अभी फिलहाल हैं नंदी हिल्स, और सेकंड दैट इज आल्सो अ वेरी पॉपुलर प्लेस. उसके क्लिपिंग्स तो आप लोगों ने इंट्रो में थोड़ा देख ही लिया होगा. तो अभी यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे उधर. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. सुबह निकल के क्या क्या हुआ वो सब देख लेते हैं. From the IT hub of Bangalore to the serene and majestic Nandi Hills, it's a quick getaway but feels like a world apart. Just about an hour's drive towards and beyond the airport, this feels more of an escape from the city's hustle. The drive through lush greenery and winding paths is well worth it. So we have been to Nandi Hills before, both me and Anandita. From what I could understand, map dekh ke, this could be Nandi Hills right on top. जो सामने वाला हिल दिख रहा है, एक ऑब्जर्वेटरी भी है उधर ऊपर. मैप देख के तो लग रहा है वैसा ही है. देखो ऐसे घूमते हुए जा रहा है उसे हिल के तरफ. अभी 2:10 बज रहा है और वी आर 18 मिनट्स अवे फ्रॉम द व्यू पॉइंट. दिस रोड लीडिंग टू द व्यू पॉइंट इज रियली ब्यूटीफुल. बहुत ग्रीन है and the canopy of trees alongside a lot of newly made resorts. It's a nice drive. यहाँ से राइट ले रहे हैं हम लोग. वो जो ऑब्जर्वेटरी है ऑन टॉप ऑफ द हिल वो दिख रहा था हम लोग को. यू हैव 8 किलोमीटर्स ऑफ घाट सेक्शन. डू यू रियलाइज कितना क्लाइमेट चेंज हो गया है. लास्ट हम लोग 6-7 इयर्स पहले आए थे राखी पे ही आए थे. करेक्ट. एंड इट वाज चिली. आई रिमेम्बर आई वाज वेयरिंग जैकेट्स. वेरी कोल्ड. या इट्स ऑलमोस्ट द सेम टाइम ऑफ द ईयर 2018 का बात हो रहा है. बैंगलोर इज ऑब्वियसली अ लिटिल कूलर देन आवर स्टेट व्हिच इज वेस्ट बंगाल, बट दिस टाइम हम लोग को बैंगलोर में भी पसीना आ रहा है. सो देयर इज ऑब्वियसली अ ह्यूज स्टार्क डिफरेंस. देयर इज एन अर्ज एसी चलाने का ऐसा. मतलब दैट्स द टेंपरेचर. आई एग्री. सो दिस इज द घाट सेक्शन. ज्यादा देर तो होगा नहीं बिफोर वी रीच नंदी हिल्स. सो वी आर एट द पार्किंग आई गेस. पता नहीं इधर से तो और भी ऊपर बोल रहे हैं वेलकम टू नंदी हिल्स. तो यही होगा पार्किंग. सो दैट्स अ कार पार्किंग. वो वहाँ पे अपना चिमनी पार्ट और इधर है टिकट काउंटर. देर आर सम फूड स्टॉल्स हियर. ज़्यादा नहीं है. द एंट्री फीस ओवर हियर इज 60 रुपीज फॉर फोर व्हीलर एंड 20 रुपीज पर पर्सन. और यहाँ ऊपर जाते हुए यहाँ पे सारे मैप पे पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं.
मंकीज हैं इधर, लेकिन हमें मंकीज को खाना नहीं देना है. इट इज नॉट एडवाइजेबल. काफी लोग दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए. इससे उनका नेचर और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है. पेड़ों के बीच में इट्स लुकिंग सो नाइस. दिस इज दी वॉक वे. लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे, मुझे जितना याद है गाड़ी पूरा ऊपर तक गई थी, बट दिस टाइम हमें नीचे ही पार्किंग करना पड़ा. तो अभी हम लोग वॉक करके जा रहे हैं. सो हम लोग अभी जा रहे हैं टीपू ड्रॉप सनसेट व्यू पॉइंट की तरफ. एंड ये बहुत ही क्लीन टॉयलेट्स है. देयर दे कम. बांधवगढ़ में ऐसे वाइट ट्रीज को घोस्ट ट्रीज बोलते थे. या बिकॉज दे शाइन व्हेन देयर इज पूर्णिमा. एमा बृष्टि पड़छ तो. टीपो ड्रॉप एंड आर्कावती रिवर ओरिजिन इज दिस वे. देयर वर जस्ट रॉक्स और हम लोग बीच से जा रहे थे. एक मंदिर था and it was nowhere this green. ये तो पूरा चारों ओर ग्रीनरी. बिकॉज आई थिंक दे आर नाउ मेंटेनिंग द पार्क. अभी दे हैव टिकट्स तो शायद वो मेंटेनेंस के लिए काम हो रहा है. ऑब्वियसली वी सपोर्ट दिस. ग्रीनरी इज वेलकम. यहाँ बीच बीच में बैठने का भी जगह है. इट विल यूज बिकॉज इट इज गेटिंग वेरी डार्क. इट हैज स्टार्टेड रेनिंग. या इट इज ड्रिजलिंग. हाँ ड्रिजलिंग. इसको देखो. कैन यू डू अ ब्रेक डांस बेबी. तो हम लोग एक शेड के नीचे खड़े हुए हैं और अभी जाके थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है हमको. सो दैट्स द मंदिर टेंपल. वो रॉक्स जो बोल रहे थे वही है. एंड इधर से हिल टॉप तो ज्यादा दूर नहीं लग रहा है. बट इट इज रेनिंग. कम हुआ है तो हम लोग अभी निकल पड़े हैं. यू टेक दिस रूट. ओके. आई विल टेक द मोर एडवेंचरस रूट इन केस यू स्लाइड अवे. एक बेसिक रिपोर्ट दर्ज कर देना नीचे कहीं पे. आई वोंट डाई. Now this is more familiar. So this is the temple we were talking about, and we have a drone shot. Let's quickly switch to that drone shot, show you how it used to look like 6 years back. यहाँ पे प्रेस रूम्स हैं, कैंटीन है. ओह दिस इज ब्यूटीफुल इज़न्ट इट. बैठने का जगह भी मस्त है इधर. I have to bring Anindita here. साथ में enjoy करेंगे. तो अभी जा रहे हैं. Where there is a observatory. ये observatory है. और यहाँ पे एक मंदिर है. योगा मंदेश्वरा स्वामी टेम्पल. एंड देर इज सप्तशी. Here is the observatory. जो चेंज हुआ है is the enclosure. ऊपर तक नहीं था. Now I see it is completely enclosed. Wow. It is overlooking the same view जो वहाँ से हम लोग देखे थे. Lots of places to sit, hang around, sip some coffee and enjoy the beautiful plains. I don't know if this will help you guys, but there is a hotel right on top of Nandi Hills. I think this one, yeah, this one. So anybody interested, अगर मन है ऊपर आके रहने का, it's a wonderful place to stay. Not sure कि quality of accommodation कैसा है, but looks the part. यहाँ पे छोटा सा लॉन भी है नीचे.
ये देखो होटल मौर्या का, आई थिंक दिस इज डाइनिंग स्पॉट, मस्ट व्यू है डाइनिंग स्पॉट्स। सो वी टुक अ लेफ्ट फ्रॉम दिस रोड, ये जंक्शन से इधर से बोल रहे थे कि ऊपर हिल टॉप का ऑब्जर्वेटरी दिख रहा है। सो ये जो टेम्पल दिखा रहे थे योगानंदेश्वर स्वामी टेम्पल, अनिंदिता हैज गॉन इनसाइड, अनिंदिता इज इनसाइड, शी विल शो यू द टेम्पल। तो ये टेम्पल के अंदर आई हूँ मैं। ये भी एकदम पुराने दिन वाला वैसा वाला स्टोन का बिल्डिंग है, श्री योगानंदेश्वर स्वामी। अच्छा, राइट ऑन टॉप देयर इज अ पोस्ट ऑफिस टू एंड अ वायरलेस रिपीटर स्टेशन। I think this has a lot to do with that. Hello. So this transition from Bengali to Hindi, right? I always struggle, and I am struggling. The BTS is very funny. Yeah. So I always struggle when I switch from Bengali. Ayo. Crux of the matter, we are going to a place where there is sea overlooking a view. Baap re baap, bright sunshine. Yeah, it is switching from वो मेरा ट्रांजिशन लैंग्वेज ट्रांजिशन से नो बिकॉज़ आई एम फंबलिंग, आई हैव दैट इन माय माइंड कि वो नहीं निकलेगा। चलो नाउ द होराइजन लुक्स ब्यूटीफुल, या आई हैव ऑलरेडी शोन देम लाइक द सेकंड टाइम दे आर सीइंग, कैन वी शो देम सम ड्रोन शॉट्स ड्रोन पायलट। क्या है नहीं पता, पर इट लुक्स लाइक सम ऑब्जर्वेटरी। सब कुछ ऑब्जर्वेटरी है क्या? नहीं, ऐसे मतलब ग्लास सीलिंग्स हैं। पार्किंग की तरफ एंड वी आर रशिंग क्योंकि हमें आदियोगी जाना है जो कि यहाँ से 50 मिनट्स दूर है। वो रहा पार्किंग चिक्कबलपुर। ये लेके हम दोनों में काफी देर तक डिबेट चला। आर द क्लाउड्स गोइंग टू रुइन आवर पार्टी टुडे? 15 किलोमीटर्स टू गो, 24 मिनट्स दिखा रहा है, बट नॉट अ वेरी गुड साइन। Very dark clouds actually, and all concentrated उस तरफ। पीछे देखो ऐसा कुछ नहीं है। Drive तो मस्त है। We are back on national highway, चिक्कबलपुर road। Okay, फिर से हम लोग national highway पे आ गए। धीरे बात कर रहा हूँ because both my kid and my wife they are sleeping. हाईवे छोड़ के तो दिख भी रहा है आदि योगी। कंटिन्यू ऑन ईशा फाउंडेशन रोड फॉर 2 किलोमीटर, लाइक आई सेड ईशा फाउंडेशन रोड, नॉट वेरी एनकरेजिंग सीन्स बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ये एक स्टोन क्वारी लग रहा है एंड नाइस प्लेस टू ऑफरोड यार। It's a man-made lake because of the stone quarry. Stay on Isha Foundation Road, then turn right onto Isha Adiyogi Road. Quite pompous, huh?
ki gate and all. Turn right onto Isha Adi Yogi Road. And there's Sadhguru for you. Master. Backdrop pe this hill looks amazing. There are restaurants here too. Jo ki hum log baad mein decide karenge. Abhi let's go to Adi Yogi first. It's a scenic, there's no doubt about it. तो मुझे लग रहा था कि ऐसे लोग फोटो खींच रहे खड़े होके बिकॉज इट्स अ हिल सेक्शन एंड द ग्रीनरी हिल्स के बीच में से ये रास्ता जा रहा है वेरी वेरी सीनिक. सडनली आई रियलाइज देयर इट इज दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू. द वेदर गॉड्स हैव नॉट प्लेड स्पॉइल स्पॉट येट. दिस गाय इज स्टिल स्लीपिंग. ओके सो देन आई विल टेक माय कार बैक फ्लाई द ड्रोन देयर नॉट हियर. नहीं इधर नहीं ला रहे इसीलिए पीछे जा रहे. नहीं इधर नहीं लाना. वही खड़े एंड दिस इज हाउ दे मैनेज. इट्स अ वेरी सीमलेस थिंग. दे हैव दिस पार्क प्लस ऐप सो आई डोंट थिंक इट्स मच मच ऑफ अ हैसल. इवन दो आई डोंट हैव दे विल गाइड मी इज व्हाट दे सेड. विल वांट टू सी व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी क्रिएट. दे ऑल्सो सॉ द स्टिकर द रूट मैप. वी वॉन्टेड टू गो बैक एंड फ्लाई अ ड्रोन बियॉन्ड द नो ड्रोन जोन. दीज गाइज आर स्टिल चेकिंग अगर परमिशन मिल पाए तो. सप्तशी बात कर रहे हैं शायद किसी ऑफिशियल से. HOD था उनसे बात हुआ. सो द रूल इज यू कैनॉट फ्लाई अ ड्रोन विदाउट परमिशन. नॉट बिकॉज ऑफ द आदि योगी स्टैचू बिकॉज दिस इज अ रिजर्व फॉरेस्ट. इधर काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है. तो वी हैव बीन टोल्ड दैट यू कैन शूट बट यू कैनॉट पब्लिश अनटिल यू गेट अ परमिशन. सो वी हैव अप्लाइड फॉर अ परमिशन. इट टेक्स अ फ्यू डेज और फ्यू आवर्स आई डोंट नो. इफ दे गिव अस अ गो अहेड तब जाके आप लोग देख पाओगे वरना फोन और GoPro से काम चलाना. सो अभी 6:45 हो रहा है एंड स्टैचू इस बैरियर के पीछे ही है. इस स्टैचू का जो ओरिजिनल स्टैचू है वो कोयम्बटूर में है एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बस्ट स्कल्पचर एज पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. उस स्कल्पचर के सामने एक योगेश्वर लिंगा है जिसकी स्थापना सातगुरु ने की थी. नाउ इट इज ऑल्सो इन बैंगलोर एंड इट इज क्वाइट अ सेंसेशन. यहाँ पे कतारों में लोग आते हैं और शाम को लाइट शो भी होता है जो आई गेस 7 PM से स्टार्ट होता है. वी आर नॉट श्योर वेदर वील स्टे टिल लेट क्योंकि उसके बाद बैंगलोर का ट्रैफिक शुरू हो जाएगा. सो लेट्स सी. और यहाँ पे एक नागेश्वर टेम्पल भी है. आई थिंक देयर इज अ टेम्पल इनसाइड. यहाँ स्कल्पचर के नीचे एक मंदिर भी है तो यहाँ पे शूज उतार के हम लोग जा रहे हैं. एंड मैं और आयु इधर खड़े उसका जूता गार्ड कर रहे. तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था बट इट वॉज वेरी वेरी सिस्टमैटिक. इनफैक्ट देयर वर कैटेगरीज कि आप कैसे पूजा देना चाहते हो. आप दिया जलाना चाहते हो. आप जल अर्पण करना चाहते हो. एग्जाम्पल्स दे के पैसे अलॉटेड थे सो आपको उस हिसाब से खरीदना था. तो खरीदने के बाद वो गाइड करने के लिए लोग हैं तो वो गाइड करने के बाद फिर जाके फिर आप किस काइंड ऑफ प्रसाद चाहते हो उसके लिए भी कैटेगरीज हैं और सब प्राइस टैग्स दिया हुआ है. तो आप जैसा प्रसाद चाहो वैसा प्रसाद खरीदना पड़ेगा. तो एनीवेज इट वाज वेरी सिस्टमैटिक. कोई कमोशन नहीं था अंदर. और अभी वापस आ चुके हैं. अभी 7:05 बाकी है एंड द शो इज गेटिंग स्टार्टेड. सो वी हैव डिसाइडेड टू स्टे बैक फॉर सम टाइम. प्लीज बी सीटेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन until the aarti at the end of Divya Darshanam. Please switch off your cell phones including torchlight. Thank you.
who he was. Spectacular being were unknown. But in some moment, he danced wildly. He became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they call him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. In its full depth and dimension, offering his disciples access to the deepest innards of creation. इधर से देख रहे हैं, वी आर एट द पार्किंग, वांट टू लीव अर्ली। पार्किंग में आ गए क्योंकि इधर बहुत रश हो जाता है, जैसे सुना हम लोग। सो अनिंदिता थोड़ा रिकॉर्ड करके आ जाएगी एंड देन वी विल बी ऑन आवर वे बैक होम। और तो अभी हम लोग घर लौट रहे हैं, अभी 9 बज चुका है, तो जाने से पहले थोड़ा शवरमा ले रहे हैं इधर से, गायरोस से। आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू श्रुपल कैरी। और साउथ इंडिया के ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो वो देखने के लिए आपको तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब करना ही होगा श्रुपल कैरी को, और नोटिफिकेशन बटन भी दबाना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।